जैसा कि देख रहे हैं टोयोटा की यूटियोस है, 2012 का मॉडल है और डीजल कार है। हमने इसका एसी चालू रखा है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एसी का बटन ये दिया है और ब्लोअर स्विच ये है, प्रॉपर चल रहा है। लेकिन इसका हीटर, जब हीटर का बटन जो है हीटर चालू करते हैं तो हीटिंग टेम्परेचर नहीं भर रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हीटिंग टेम्परेचर भर ही नहीं रहा है 10.5 पे। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि इसका हीटर के अंदर जो केबल रहती है ना, वो केबल यहाँ से जगह अपना छोड़ दिया है, इसकी वजह से ये हीटर चल नहीं रहा है। तो चलो हम इसको खोलेंगे, खोल के फिर रिपेयर करेंगे, देखते हैं रिपेयर होता है क्या नहीं होता है। तो खोलने के लिए कुछ नहीं, ये वाली जो पैनल है इसको सिर्फ खींचना पड़ेगा आपको, आपको ये जो देख रहे हैं ये पूरा बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, केबल वगैरह सब निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको निकाल रहा हूं, यहाँ एक स्क्रू रहती है ये वाली, स्क्रू खोल देने का, और ये सॉकेट रही, सॉकेट निकाल देने का इसको, और ये इजीली निकल जाता है। इसको बाहर रख देते हैं और हम इसके अंदर अब देखते हैं क्या हुआ है। ये लॉक रहती है, स्लाइडिंग वाला लॉक है, तो निकाल देने का। अब पीछे देख पा रहे हैं आप, ये देखिए केबल यहाँ से निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से हीटर नहीं चलता है, चल रहा था। चलो हम इसको केबल को फिट करते हैं, फिटिंग करने के बाद फिर देखते हैं हीटर टेम्परेचर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं कंट्रोल पैनल निकाल चुका हूँ, ये रही कंट्रोल पैनल अपना, और ये रही इसका केबल जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ से टूट चुका है, ये रही यहाँ से ये टूट के दिख रहा होगा आपको साफ, ये रही टूट गया है, टूट करके ये बाहर निकल गया है, इसके वजह से ये स्लिप मार दिया था यहाँ से, यानी यहाँ से ये वाली जो लॉक में बैठता है यहाँ से निकल गया था, इसके वजह से हीटर को, हीटर की फ्लैप जो है वो घुमा नहीं पा रहा था, इसके वजह से हीटिंग टेम्परेचर नहीं आता था। तो चलो अब हम इसको फैबिक्विक वगैरह से चिपकाएंगे इसको, अच्छा प्रॉपर प्रॉपर तरीके से चिपका करके फिर फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके फिर कंट्रोल पैनल यहाँ डालेंगे हम, डाल के फिर केबल वगैरह सब लगा करके फिर गाड़ी चालू करके हीटिंग टेम्परेचर देखेंगे आ रहा है क्या नहीं। तो आप हमारे से जुड़े रहे और आगे हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैंने इसको फिटिंग कर चुका और ये जो केबल इसकी जो टूटी हुई थी वो केबल लगा चुका हूँ और एसी चालू रखा हूँ, अभी गाड़ी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, यानी अभी मैं कंट्रोल पैनल सब फिट कर चुका हूँ। अब सिर्फ हमको हीटर चेक करने का था, ब्लोअर वगैरह चालू है, हीटर चेक करने का है। तो हीटर मैं घुमा रहा हूँ, हीटर का केबल जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हाई पे रखा हूँ, हीटर अभी ऐसे ही फिट किया हूँ, आपको समझ में नहीं आता होगा शायद। तो आप देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है अपना, अभी देख रहे हैं 17.5 पे आ चुका, अभी 24 पे चला गया, 25 पे चला गया, यानी अपना रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका। जैसा कि आप देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपना रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछे क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में, ऑटोमोबाइल के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।